हेलो एवरीवन, जैसे आप टाइटल देख ही चुके होंगे कि आज के इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं जे 2017 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्रीकल्चर संबंधित, उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए यार हम वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जैसे कि हमारी हर एक वीडियो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोज लाते रहते हैं। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस में गर्भावधि समय कितने दिनों का होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा जिससे कि आप भी इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। तो इसलिए यार हाँ, वीडियो के साथ साथ आपको कमेंट करते रहना है। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस में गर्भावधि समय कितने दिनों का होता है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, 151 दिन, 310 दिन, 285 दिन या फिर 380 दिन। जल्दी बताएंगे भैंस में गर्भावधि समय कितने दिनों का होता है। ऑप्शन देख लीजिए, 151 दिन, 310 दिन, 285 दिन या फिर 380 दिन। तो यार हाँ, अगर आप सोचते हैं भैंस में गर्भावधि समय अर्थात यार भैंस में जो गेस्ट्रेशन पीरियड होता है, जो गर्भावधि अवधि होती है, ये होती है 310 दिन। कितने होते हैं यार 310 दिन। लेकिन अगर आप सोचते हैं गाय के बारे में, तो गाय में कितना होता है, 282 दिन होते हैं। कितने होते हैं यार 282 दिन होते हैं। ठीक है, भैंस की अगर बात की जाए 310 दिन, और अगर बात की जाए गाय की, तो गाय में कितना होता है, 282 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल्दी से पाएंगे कि मुर्गी के बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, जल्दी से पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है कि अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है कि मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर तो कितना होता है, 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भेड़ के मीट को किस नाम से जाना है। तो जल्दी से पाएंगे, चिकन के नाम से, बीफ के नाम से, पोर्क के नाम से, फिर मटन के नाम से। जल्दी से पाएंगे भेड़ की मीट को किसको बताना है, यहाँ भेड़ के मीट को आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, चिकन, बीफ, पोर्क या फिर मटन। तो यहाँ अगर आपसे पूछते हैं भेड़ के मीट को, तो भेड़ के मीट को बोला जाता है यहाँ मटन। किस नाम से जाना जाता है, मटन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यार हाँ, अगर आपसे पूछते हैं बीफ के बारे में, तो बीफ किसे बोला जाता है, गाय के मांस को। ठीक है, गाय का जो मांस होता है उसे बोला जाता है बीफ। अगर बात की जाए चिकन, तो चिकन तो आप जानते होंगे मुर्गी के मांस को, और अगर बात की जाए पोर्क, तो पोर्क किसके मांस को बोला जाता है, सुअर के मांस को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। ये आपसे पूछा गया यार हाँ, अधिकता नहीं पूछ गई, यहाँ पर पूछा गया आपको दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, किस तत्व की डेफिशिएंसी पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया। तो जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम फिर फास्फोरस। जल्दी बताएंगे कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम फिर फास्फोरस। यहाँ अगर आप सोचते कमी, तो कमी तो किसकी होती है, लोहा की होती है। यार हाँ, अगर आपसे दूध में कमी, तो दूध में जो कमी होती है ये होती है लोहा, आयरन और फेरस की। किसकी होती है यार हाँ, तीनों एक के नाम होता है, लोहा, आयरन या फिर फेरस। ठीक है, तीनों ही आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो यार हाँ, लोहा, आयरन और फेरस, इन तीनों की क्या होती है यार हाँ, दूध में कमी होती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं अधिकता, तो अधिकता किसकी होती है यार हाँ, कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। किसकी होती है यार, अगर आप अधिक मात्रा में क्या पाइजते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाइजते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं दूध में कमी, तो दूध में कमी किसकी होती है यार हाँ, आयरन की होती है, लोहा की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं, गाय की द्विप्रयोजन नस्ल कौन सी है। ठीक है, गाय की डबल पर्पज के लिए जिसे पाला जाता है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है। तो जल्दी से कहेंगे द्विप्रयोजन नस्ल कौन सी है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, गिर, थारपारकर, जर्सी या फिर साहिवाल। देख लीजिए जल्दी से कहें राइट आंसर, गाय की द्विप्रयोजन नस्ल कौन सी होती है, गिर होती है, थारपारकर होती है, जर्सी होती है, फिर साहिवाल होती है। तो यार हाँ, अगर आप सोचते हैं गाय की द्विप्रयोजन नस्ल, तो कौन सी होती है, थारपारकर होती है। कौन सी होती है, थारपारकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इज्जतनगर में, बीकानेर में, नई दिल्ली में, फिर करनाल में। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इज्जतनगर में, बीकानेर में, नई दिल्ली में, फिर करनाल में। क्या रहा, अगर आप सोचते हैं NDRI क्या होती है, NDRI अर्थात नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये स्थित होता है यहाँ करनाल, हरियाणा में। कहाँ पर पड़ता है, करनाल, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, अर्थात यहाँ सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताना है कि दूध निकालने की सर्वोत्तम मेथड कौन सा होता है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है। ये आपसे पूछा गया है, अंगूठा दबाकर, मुट्ठी बांधकर, चुटकी द्वारा या फिर अंगूठा दबाकर वह चुटकी द्वारा। जल्दी से सही राइट आंसर क्या है कि दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है। तो यहाँ अगर आपसे दूध दुहने या फिर दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि, तो कौन सी होती है, फुल हैंड होता है। आपने पढ़ा हुआ है यार फुल हैंड मेथड, मतलब मुट्ठी बांधकर। ठीक है, अगर आपसे दूध निकालने का सर्वोत्तम मेथड, तो कौन सा होता है, मिट्टी बांधकर होता है, फुल हैंड के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पशुओं में खुरपका और मुहेपका रोग सामान्यतः किसके कारण होता है।
तो ये क्वेश्चन भी हमने कई बार क्लियर कर लिया है कि FMD रोग अर्थात क्या फूड एंड माउथ डिजीज किसके द्वारा होती है। तो जल्दी से आएंगे, FMD डिजीज के कारण क्या होता है, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, कैल्शियम की कमी होती है, फिर आयरन की अधिकता होती है। जल्दी से बताएंगे कि फूड एंड माउथ डिजीज़ का कारण क्या होता है, ये क्यों होती है। तो यहाँ अगर आपसे बताए फूड एंड माउथ डिजीज़ तो होती है वायरस के कारण, क्या होता है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म याद रहा, इसका जो फैलाने का कार्य करता है ये करता है वायरस के द्वारा, ठीक है। और इसकी जो कंट्रोल कैसा है वो इसी के नाम से है, कौन सी वैक्सीन का यूज़ करते हैं, रहा FMD वैक्सीन का प्रयोग कैसा है, ठीक है, इसके कंट्रोल के लिए FMD नाम है वैक्सीन का प्रयोग कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है गर्भवृद्धि उपयोग परीक्षण हेतु करते हैं, अर्थात यहाँ किसके टेस्ट के लिए किया जाता है, गर्भवृद्धि को किसके टेस्ट के लिए, गर्भवृद्धि को किसके टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो जल्दी बताएंगे कि अम्लीयता, विटामिन, प्रोटीन या फिर वसा। जल्दी बताएं राइट आंसर क्या है कि गर्भवृद्धि उपयोग लिया जाता है किसके टेस्ट के लिए, अम्लीयता के लिए, प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए, फिर वसा के लिए। तो आपको पता होगा ना अगर पूछ सकता है गर्भवृद्धि, तो गर्भवृद्धि का प्रयोग कैसा है, वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। जो वसा का टेस्ट कैसा है तो इसके लिए हम गर्भवृद्धि का प्रयोग कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कल ही सोल्व कर लिया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, सभी क्वेश्चन यहाँ इजी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो सभी क्वेश्चन को, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है, आपको वीडियो के साथ ही सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गाय की दुग्ध शिराओं में, गाय की दुग्ध शिराओं में होता है दूध होता है, पानी होता है, खून होता है, फिर दूध और खून दोनों होता है। जल्दी बताएंगे कि गाय की दुग्ध शिराओं में क्या होता है, दूध होता है, पानी होता है, खून होता है, फिर दूध और पानी दोनों होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। यहाँ अगर आपसे गाय की दुग्ध शिराओं में, यहाँ दुग्ध शिराओं में दूध नहीं होता बल्कि क्या होता है, खून होता है, क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। अगर आपसे दुग्ध शिराओं में, तो दुग्ध शिराओं में दूध नहीं होता बल्कि क्या होता है, ब्लड होता है, खून होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में कपास की एक गांठ, ठीक है, एक जो बॉल होती है, एक गांठ होती है, तो उसका यहाँ पर वजन के बारे में पूछा गया है कितने किलोग्राम की होती है। ये आपको बताना है कि भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है, 160 किलोग्राम, 190 किलोग्राम, 170 किलोग्राम, फिर 210 किलोग्राम। जल्दी बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। यहाँ आपको बताना है कॉटन का, ठीक है, जो कपास होती है तो इसकी एक गांठ का वजन कितना होता है, ठीक है, एक गांठ का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताइए कि कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है, 160, 190, 170 या फिर 210। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। तो यहाँ इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि अगर आपको कन्फ्यूज होता है, यार हाँ तीनों की होती है, कपास की होती है, जूट की और पटसन की, ठीक है, तीन क्रॉप होती है, तीनों की एक एक बॉल का वेट पूछा जाता है आपसे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो तीनों को कैसे याद रखोगे, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कपास होती है एक तो, ठीक है, आपको पता होगा एक होती है जूट, एक होती है पटसन, ठीक है, ये तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को ध्यान से समझना थोड़ा। तो यहाँ अगर आपसे पूछा है कपास के बारे में, ठीक है, कपास की एक बॉल होता है तो इसका वजन कितना होता है, पहले लिख लेते हैं कि 170 किलोग्राम होता है, कितना होता है, 170 किलोग्राम होता है। अगर बात की जाए जूट की, तो जूट की जो एक बॉल होती है इसका वेट कितना होता है, 180 किलोग्राम होता है, कितना होता है, 180 किलोग्राम होता है। अगर बात करते हैं पटसन की, तो पटसन की जो एक बॉल होती है, ठीक है, एक गांठ होती है, तो उसका कितना होता है, यहाँ इसका होता है 181, ठीक है, एक किलोग्राम अधिक होता है जूट से। अर्थात यहाँ पटसन की अगर बात की जाए, तो पटसन की जो एक गांठ होती है इसका वजन होता है 181 किलोग्राम। अब इनको कैसे याद रखोगे, यार हाँ डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि केवल कपास, कपास से कैसे याद रखोगे, यार हाँ कि इनकी सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है इन तीनों में, तो डायरेक्ट आपको याद रहा कम से, ठीक है, कम अर्थात कम, कम से क्या समझोगे, यार हाँ कम, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक लागू करेंगे हमें, ठीक है, मान सकते हो कि हम इसकी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है यार हाँ कम, तो कम से कैसे याद रखो, इस कैसे, ठीक है, सबसे पहले आपको याद रहा कि 170, 180, 181, तो सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ इसका मुझे आपको याद रहा है सबसे कम किसकी होती है, कपास की होती है, सबसे कम किसकी होती है, कपास की होती है, ठीक है, सबसे कम किसकी होती है, कपास की होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर इजिली सोल्व कर सकते हो, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है कपास, जूट और पटसन में सबसे कम किसकी होती है, तो कम किसकी होती है, कपास की होती है, कम किसकी होती है, कपास की होती है, अर्थात यहाँ कपास की 170 किलोग्राम होता है। अगर बात की जाए जूट की, तो जूट का कितना होता है, 180 किलोग्राम होता है, और अगर बात की जाए पटसन की, तो पटसन का कितना होता है, 181 किलोग्राम होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है, ठीक है, मक्का की हाइब्रिड वेरायटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि मक्का की संकर किस्म कौन सी है। तो इसके लिए भी हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी एक कि गंगा की, यार हाँ डायरेक्ट आपको याद रखना है कि गंगा की, गंगा की जितनी भी सीरीज आए, मान लीजिए एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, चार आ रहा है, पाँच आ रहा है, यानी कितनी भी आए, ठीक है, गंगा की सीरीज जितनी भी होती है वो सभी किसकी वेरायटी होती है, यार मक्का की ही होती है, किसकी होती है, मक्के की ही होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार हाँ अगर आपसे मक्का की हाइब्रिड वेरायटी या फिर वेरायटी, तो कौन सी होती है, गंगा 11 होती है। अर्थात यार जितनी भी जो गंगा की वेरायटी आती है, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, ये सभी किसकी होती है, मक्के की ही वेरायटी होती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, अर्थात यहाँ जो एवरेज रेनफॉल होती है आपको बतानी है मिलीमीटर में, ठीक है, किसमें बतानी है, मिलीमीटर में बतानी है। तो जल्दी से बताएंगे राजस्थान की जो एवरेज रेनफॉल होती है ये कितनी होती है, 256 मिलीमीटर होती है, 564 मिलीमीटर होती है, 347 मिलीमीटर होती है, फिर 1190 मिलीमीटर होती है। जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान के लिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, राजस्थान के लिए बताना है एवरेज रेनफॉल। तो जल्दी से बताएंगे एवरेज रेनफॉल कितने मिलीमीटर होती है, 256 मिलीमीटर, 564 मिलीमीटर, 347 मिलीमीटर या फिर 1190 मिलीमीटर। तो यहाँ अगर आपसे पूछा है राजस्थान के बारे में, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा है राजस्थान के बारे में तो राजस्थान में जो एवरेज रेनफॉल होती है ये कितनी होती है, यहाँ ये होती है अगर आप बात करते हैं एग्जैक्ट की तो यहाँ 575 होती है, कितनी होती है, यहाँ 575 मिलीमीटर होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ सेंटीमीटर में, ठीक है, एक बात तो याद रखनी है कि सेंटीमीटर में कितनी होती है, 57.5 होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में तो कितनी होती है, यहाँ 57.5 होती है। लेकिन अगर पूछा जाए यहाँ मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में कितनी होती है, 575 होती है, कितनी होती है, 575 मिलीमीटर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो आपका राइट आंसर कौन सा है, यहाँ 564, क्योंकि यहाँ इसके एवरेज कितना है, यहाँ कि 564, ठीक है, मान लीजिए 575 नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग आपको देख सकते हो कि यार इसके आसपास जो लमसम होता है वो ही राइट आंसर माना जाता है। तो कौन सा है राइट आंसर, यहाँ 564 मिलीमीटर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सोचते भारत के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप सोचते हैं राजस्थान के लिए, तो राजस्थान में जो एवरेज रेनफॉल होती है ये कितनी होती है, 564 होती है, 575 होती है, ठीक है। अगर बात की जाए एग्जैक्ट की तो 575 मिलीमीटर होती है। लेकिन अगर बात की जाए, इंडिया की, तो इंडिया की जो एवरेज रेनफॉल होती है ये होती है 1190 मिलीमीटर, ठीक है। इंडिया की कितनी होती है, 1190 मिलीमीटर होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे अरहर की स्तंभ बीज दर क्या होती है, किलोग्राम प्रति हेक्टर में आपको बतानी है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताना है कि 5 से 7 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, फिर 35 से 40 किलोग्राम। जल्दी बताएंगे अरहर की स्तंभ बीज दर कितनी होती है किलोग्राम प्रति हेक्टर। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है, 5 से 7 होती है, 20 से 25 होती है, 10 से 12 होती है, फिर 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं अरहर की, ठीक है, पीजन पी की, जिसे यहाँ रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है, अरहर को यहाँ रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था रेड ग्राम के नाम से किस जाना जाता है, तो यहाँ रेड ग्राम के नाम से किस जाना जाता है, पीजन पी या फिर अरहर को जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा सीड रेट के बारे में, तो सीड रेट कितनी होती है यहाँ अरहर की, ये होती है 10 से 12 किलोग्राम, कितनी होती है यहाँ 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर अरहर की सीड रेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ एक यहाँ पर साइंटिफिक नेम, अर्थात यहाँ वैज्ञानिक नेम आपको दे रखा है, तो इसका आपको नाम बताना है कि कार्थेनियम टिंटोरियस किसका होता है, कार्थेमस टिंटोरियस किसका नाम होता है, तिल का होता है, सूरजमुखी का होता है, तारामीरा का होता है, फिर कुसुम का होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है, ऑप्शंस देख लीजिए कि कार्थेमस टेंटोरियस किसका नाम होता है, ये आपको बताना है, तिल का होता है, सूरजमुखी का होता है, तारामीरा का होता है, फिर कुसुम का होता है। तो किसका होता है यहाँ, अगर आप कार्थेमस टेंटोरियस, यहाँ कार्थेमस टेंटोरियस तो किसका होता है, कुसुम का होता है, सेफ फ्लोर का होता है, किसका होता है, कुसुम का होता है, सेफ फ्लोर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता कितनी होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, याद कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यहाँ पर आपसे पूछी है और कहाँ पर पूछी है, वातावरण में, अर्थात यहाँ एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कितनी सांद्रता होती है ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस को भी आपको ध्यान से समझना है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी होती है, 300 ppm होती है, 30 ppm होती है, 3 ppm होती है, फिर 0.03 ppm होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है ppm में, ठीक है। तो ppm में आपको बतानी है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ppm में कितनी होती है, ठीक है। इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस भी कर लिया है और मैंने बताया था कि अगर आपसे ppm में पूछा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी पाई जाती है। तो जल्दी से राइट आंसर क्या है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी होती है, 300 ppm, 30 ppm, 3 ppm, फिर 0.03 ppm। जल्दी से राइट आंसर क्या है, तो यहाँ अगर आपसे पूछता है परसेंटेज में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर परसेंटेज में, तो परसेंटेज में तो राइट आंसर कौन सा होता है, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ अगर आपसे पूछता है 0.03%, ठीक है, यहाँ पर आपको ppm में दे रखा है तो ये तो आपका राइट आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर आपको ppm में दे रखा है अर्थात ये गलत आंसर है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ppm में, तो यहाँ ppm में अगर पूछ रहा है तो क्या है, यहाँ वातावरण जो CO2 है ये कितनी होती है, यहाँ 300 ppm होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ppm में पूछा जाता है तो ppm में कितना होता है, 300 ppm होता है। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाता है तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ 0.03% होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर आपसे परसेंटेज में पूछता है तब आपका राइट आंसर क्या है, 0.03 है। लेकिन अगर आपसे ppm में पूछा जाता है तो ppm में राइट आंसर क्या है, यहाँ 300 ppm, ठीक है। दोनों में आपको याद रखना है, दोनों में ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है ये पूछा गया है, और किसमें पूछा गया है, बरसीम में। तो जल्दी से बताएंगे कि बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है,
ये आपको बताना है। जल्दी सुनाएंगे कि बर्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य किसके दो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, राइजोम फेसुलाई के द्वारा, राइजोम जापोलिकम द्वारा, राइजोम ट्राइफोलाई के द्वारा, फिर राइजोम मेलिलोटाई के द्वारा। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि बर्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, राइजोम फेसुलाई, राइजोम जापोनिकम, राइजोम ट्राइफोलाई या फिर राइजोम मेलिलोटाई। जल्दी सुनाएंगे बर्सिम के लिए, किसके लिए यार, हाँ बर्सिम के लिए। तो इसके लिए भी एक सौ ट्रिक बता देता हूँ यार, हाँ अगर आप सदा बर्सिम के लिए, ठीक है, बर्सिम की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है ये क्या है यार, हाँ राइजोम ट्राइफोलाई के द्वारा, किसके द्वारा क्या है यार, हाँ ट्राइफोलाई के द्वारा कैसा है, इसको जरूर याद रखना है। जो स्पीसीज होती है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपसे बर्सिम के बारे में पूछता है तो बर्सिम में नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है ये कैसा है, ट्राइफोलाई के द्वारा। इसे आप कैसे समझ सकते हो, इसे को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि बर्सिम का बोटनिकल नेम क्या होता है, ठीक है, आपको इसका जो ब्रांच ट्रांसफर कैसे कर सकते हो, इसका बोटनिकल नेम क्या होता है। बर्सिम का आपको पता होगा ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम होता है, क्या होता है, ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम होता है, क्या होता है इसका बोटनिकल नेम, ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम होता है। तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ कि अगर आपको इसका बोटनिकल नेम भी याद है, ठीक है, अगर आपसे बर्सिम की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरिया, तो अगर आपको इसका बोटनिकल नेम याद है तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक लागू हो जाएगी, अर्थात यहाँ ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम, क्या होता है ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम, इस ट्राइफोलियम से आपको डायरेक्ट याद रखना ट्राइफोलाई, ठीक है, इस ट्राइफोलियम से आपको क्या याद रखना है, राइजोबियम ट्राइफोलाई, किसको काम में लेते हैं यहाँ बर्सिम के लिए, राइजोबियम ट्राइफोलाई स्पीसीज को काम में लेता है, ठीक है, किसान के लिए हुआ? आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या है यार, इसका बोटनिकल नेम ही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप सोचते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है, ट्राइफोलाई होता है, ट्राइफोलियम से आपको याद रखा है ट्राइफोलाई होता है, ठीक है, किसान क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं है, कौन सा आवश्यक नहीं होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से आएंगे कौन सा न्यूट्रिएंट पौधों के लिए आवश्यक नहीं होता है, क्लोरीन, आयोडीन, मोलिब्डेनम या फिर मैंगनीज। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि क्लोरीन, आयोडीन, मोलिब्डेनम या फिर मैंगनीज, यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं है, ठीक है, आवश्यक तत्व नहीं है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कि क्लोरीन नहीं होता है, आयोडीन नहीं होता है, मोलिब्डेनम होता है, फिर मैंगनीज नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ चार ऑप्शंस में आप क्लियर कीजिए कि मैंगनीज होता है इसकी आवश्यकता होती है। अगर बात करते हैं क्लोरीन की, जहाँ क्लोरीन की भी पौधों को आवश्यकता होती है, लेकिन अगर बात की जाए यार हाँ आयोडीन की, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हो आयोडीन की जरूरत नहीं होती, अर्थात राइट आंसर कौन सा यार, हाँ अगर आपसे पूछता है पौधों को किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो लगभग आपका जो राइट आंसर होगा यार हाँ सोडियम और आयोडीन से ही पूछा जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं इस क्वेश्चन में, तो लगभग या तो आपको सोडियम देखने को मिलता है या फिर आयोडीन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि यार हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आलू का जो ट्यूबर बनता है, ठीक है, आलू से ट्यूबर या फिर कंद का निर्माण करने के लिए अनुकूलतम जी यार हाँ जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये कितना रिक्वायरमेंट होता है ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि आलू से ट्यूबर बनने के लिए सबसे अनुकूल तापमान कितना होता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, कंद बनने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना रिक्वायर्ड होता है। तो यार हाँ अगर आपसे कंद के बनने के लिए, तो कंद बनने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ये रिक्वायर्ड होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, कौन सा है राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगर आपसे कंद के बारे में, तो कंद के बारे में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ठीक है, ओरिजिन प्लेस से भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस, तो इस टॉपिक को जरूर याद रखना कि जितने भी आपकी क्रॉप्स है, ठीक है, जितनी भी जो आपकी क्रॉप्स है उनके ओरिजिन प्लेस आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है, जितनी भी जो क्रॉप्स है उनके यार हाँ ओरिजिन प्लेस एक आपको फैमिली याद होना चाहिए, और इसकी एक यार हाँ जो मेजर डिजीज होती है, जैसे कि इनकी कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मेजर डिजीज क्या होती है, तो ये दो तीन टॉपिक ऐसे हैं कि याद रखना हर एक एग्जाम में, ठीक है, हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की। इसलिए यार हाँ अगर आप क्रॉप्स की तैयारी कर रहे हो तो क्रॉप को आपको याद रखना है यार हाँ क्रॉप की एक तो ओरिजिन प्लेस आपको पता होना चाहिए, इसके ओरिजिन प्लेस आपको पता होना चाहिए, इसकी फैमिली आपको पता होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको यार हाँ इनकी डिजीज़ जो कि यार हाँ मेजर होती है उनको जरूर याद रखना है, और उनके कोजल ऑर्गेनिज्म को आपको विशेष ध्यान रखना है। और कुछ क्रॉप्स होती है ऐसी जिनमें कुछ टर्म्स भी होती है, जैसे कि अगर बात करते हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हो कि धान में, ठीक है, धान में जो टर्मिनोलॉजी होती है वैसे कि एसआरए टेक्निक हुई, तो ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे कि डेपोक मेथड हुआ, तो ऐसे कुछ टेक्निक होती है उनको भी आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, क्रॉप्स में बस इतना जरूर ध्यान रखना, इन पॉइंट्स को आप क्लियर कर लेते हो तो इनसे आपका लगभग 80% आपका सिलेबस हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हुई है आपके सिलेबस की बात, अब क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, तो यहाँ चीन, भारत, अफ्रीका या फिर दक्षिणी अमेरिका। जल्दी से राइट आंसर क्या है, तो यहाँ अगर आपसे सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस तो कौन सा होता है, चाइना होता है, कौन सा होता है,
चेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिंगल सुपर फास्फेट अर्थात यहाँ जो SSP होता है, तो इसमें आपको सल्फर की मात्रा बतानी है। किसकी बतानी है यहाँ, सल्फर की मात्रा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ पर सल्फर की मात्रा के बारे में पूछा गया है। तो जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 20%, 16%, 8% है फिर 12%। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है, SSP में सल्फर कितना होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर आप सोचे सिंगल सुपर फास्फेट है सल्फर, ठीक है, सल्फर तो कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, सल्फर होता है 12, अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन दिया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि ना अगर आप सोचे सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर, तो सल्फर कितना होता है, 12% होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है फास्फोरस, तो यार हाँ फास्फोरस कितना होता है, 16% होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं यार हाँ सिंगल सुपर फास्फेट में होता क्या क्या है, ठीक है। जो SSP होता है तो इसमें तीन होते हैं, ठीक है। जो तीन न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम होता है, सल्फर होता है, और ये होता है फास्फोरस। तो यहाँ अगर आप सोचते कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम तो कितना होता है, 19% होता है। कितना होता है, 19% होता है। अगर बात की जाए सल्फर, तो सल्फर कितना होता है, 12% होता है। और अगर बात की जाए फास्फोरस की, तो यहाँ फास्फोरस कितना होता है, 16% होता है, ठीक है। तीनों को आपको स्पेशली याद रखना है कि अगर आप सोचते SSS या अगर जो SSP होता है इसमें कैल्शियम तो कितना होता है, 19% होता है। अगर बात की जाए सल्फर, तो सल्फर कितना होता है, 12% होता है। और अगर बात की जाए फास्फोरस की, तो फास्फोरस कितना होता है, 16% होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कैंट की एक प्रमुख किस्म है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है कैंट की एक प्रमुख किस्म होती है, यहाँ एक फसल की किस्म होती है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कैंट किसकी एक प्रमुख वेरायटी होती है, बरसिम की होती है, रिंजका की होती है, सोयाबीन की होती है, फिर जई की होती है। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है कि कैंट किसकी वेरायटी होती है, बरसिम की, रिंजका की, सोयाबीन की, फिर जई की। तो यहाँ अगर आप सोचें कैंट के बारे में, तो कैंट मुख्यतः किसकी होती है, हाँ जई की होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर रिंजगा नहीं होता, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट देखने को मिलता है, हाँ तीन और चार दोनों, ठीक है। अगर आपको एक ऑप्शन ऐसे भी देखने को मिलता है तीन और चार दोनों, तब आपका राइट आंसर कौन सा होता है, हाँ तीन और चार दोनों। क्योंकि यहाँ अगर आप सोचते हैं कैंट, तो यहाँ कैंट सोयाबीन की भी वेरायटी होती है। किसकी होती है, सोयाबीन की भी वेरायटी होती है कैंट। तो यहाँ अगर आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन देखने को मिलता, तब आपका राइट आंसर क्या होता है, दोनों होता। क्योंकि यार अगर मान लीजिए एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तब आपका राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ जई होगा। क्योंकि यार जो मैन होती है, ये जो कैंट होती है, ये वेरायटी किसकी होती है, मेजर ये होती है जई की। लेकिन अगर आपको दोनों भी ऑप्शन में देखने को मिलता है, तब आपका राइट आंसर कौन सा होगा, दोनों। क्योंकि यहाँ सोयाबीन की भी कैंट होती है, क्योंकि यार जो वेरायटी होती है ब्रागली कैंट, किसकी कौन कौन सी होती है यार, हाँ कि ब्रागली और कैंट, ये तीनों वेरायटी किसकी होती है, सोयाबीन की होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है जो कि छिलका रहित किस्म कौन सी है, वेरायटी कौन सी होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो कि छिलका रहित कौन सी किस्म होती है। मंजुला होती है, RS6 होती है, डोलमा होती है, फिर K141 होती है। जल्दी सही राइट आंसर क्या है कि छिलका रहित, ठीक है, हुस्कलेस जिसे बोला सा है। तो जल्दी सुनाएंगे कि छिलका रहित वेरायटी कौन सी होती है, मंजुला होती है, RS6 होती है, डोलमा होती है, फिर K141 होती है। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे छिलका रहित वेरायटी के बारे में, तो कौन सी होती है, डोलमा होती है। कौन सी होती है यार, राइट आंसर कौन सा है, डोलमा। क्योंकि यार अगर आपसे जो कि छिलका रहित किस्म है, तो कौन सी होती है, डोलमा होती है। कौन सी होती है, डोलमा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हृदय रोगी, ठीक है, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, ठीक है, हार्ट जो पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त माना जाता है, अर्थात कौन सी फसल का खाद्य तेल उपयुक्त माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि सूरजमुखी का, कुसुम का, तिल का, या फिर मूंगफली का। जल्दी सुनाएंगे हार्ट पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा तेल उपयुक्त रहता है, सूरजमुखी का, कुसुम का, तिल का, या फिर मूंगफली का। तो कौन सा होता है यार, अगर बात की जाए हार्ट पेशेंट की, तो हार्ट पेशेंट के लिए सूरजमुखी का तेल सबसे बेस्ट रहता है। कौन सा रहता है, सूरजमुखी का, सनफ्लावर का जो तेल होता है, ऑयल कंटेंट होता है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इस सब गोल पैदा करने वाला मुख्य जिला कौन सा है, ठीक है, जिले के बारे में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो किया जाए इस सब गोल को, यह आपसे पूछा गया है। तो जल्दी सुनाएं इस सब गोल पैदा करने वाला मुख्य जिला कौन सा होता है, बीकानेर होता है, अजमेर होता है, जालौर होता है, फिर जयपुर होता है। जल्दी सुनाएं राइट आंसर क्या है कि इस सब गोल पैदा करने वाला मुख्य जिला कौन सा है, बीकानेर, अजमेर, जालौर, या फिर जयपुर। तो यहाँ अगर आपसे इस सब गोल के बारे में, तो इस सब गोल किसका होता है यार, इसको जो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है यार, 40%, ठीक है, जितना ग्रो किया जाता है उसका केवल 40% जो हिस्सा है, केवल यार जालौर में पैदा किया जाता है। किसमें किया जाता है यार, जालौर में, ठीक है, जितना प्रोडक्शन लिया जाता है इस सब गोल का, उसका 40% हिस्सा केवल जालौर में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है, केवल जालौर में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फूलगोभी में भूरापन की कमी कारण होता है, अर्थात किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी बताएंगे कि भूरापन किसके कारण होता है, नाइट्रोजन कमी से, पोटेशियम कमी से, बोरोन कमी से, फिर जिंक की कमी से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि फूलगोभी में भूरापन की कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन कमी कारण, पोटेशियम की, बोरोन की, फिर जिंक की। तो अब यार हाँ इसको भी डायरेक्ट आपके लिए कर सकते हो कि भूरापन का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, ठीक है। अगर आपको पता है इंग्लिश वर्ड, तो उससे इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। भूरापन का क्या होता है, ब्राउनिंग होता है,
ठीक है। इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है क्या होता है, ब्राउनिंग होता है, पूरा अपन कोई ब्राउनिंग के नाम से जानता है। अब इस ब्राउनिंग से आपको पता चल गया होगा यार, हाँ जो ब्राउनिंग डिजीज है किसका कोजल ऑर्गेनिज्म यार रखा है, इसके जो कौन से पोषक तत्व होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, उसकी डेफिशिएंसी ये देखने को मिलता है। तो ब्राउनिंग मतलब बोरोन, ब्राउनिंग मतलब बोरोन, अर्थात यार आपको डायरेक्ट याद रहा है कि जो बुरापन होता है उसे ब्राउनिंग बोला जाता है, और ब्राउनिंग का मतलब बोरोन की कमी से ये रोग होता है। किससे होता है, बोरोन की कमी से ये रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का है, आम होता है, सेब होता है, नाशपाती होता है, फिर बेर होता है। जल्दी सही, उष्ण जलवायु का, उष्ण जलवायु को पूछा गया है, जल्दी सही कौन सा होता है, आम होता है, सेब होता है, नाशपाती होता है, फिर बेर होता है। जल्दी सही राइट आंसर क्या है, कौन सा होता है यार, हाँ ये होता है आम, कौन सा होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि यार अगर आप सोचा है उष्ण जलवायु का तो कौन सा होता है, आम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है कद्दू की बीज दर, कद्दू की बीज दर क्या होती है ये आपको बताना है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, किसमें बतानी है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में आपको बतानी है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि कद्दू की सीड रेट क्या होती है प्रति हेक्टेयर। जल्दी से आएंगे, कद्दू की सीड रेट क्या होती है, 1 से 2 किलोग्राम होती है, 5 से 6 किलोग्राम होती है, 10 से 12 किलोग्राम होती है, फिर 14 से 16 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है, तो यार हाँ अगर आपसे पूछा था है कद्दू के बारे में, तो इसकी सीड रेट होती है 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टर, कितनी होती है 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टर। राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बेर में वनस्पति प्रवर्धन की प्रचलित विधि कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है प्रोपेगेशन मेथड, बेर का जो प्रोपेगेशन मेथड है वो सबसे बेस्ट कौन सा होता है, बीज होता है, कलम होता है, कलिकायन होता है, फिर टब होता है। जल्दी सही राइट आंसर क्या है कि बेर में वानस्पति प्रवर्धन की प्रचलित विधि कौन सी है, बीज होता है, कलम होता है, कलिकायन होता है, फिर डाव विधि होती है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं प्रवर्धन की प्रचलित विधि, यहाँ मोस्ट पॉपुलर मेथड का, तो कौन सी होती है, कलिकायन होती है, और कलिकायन में कौन सा, टी कलिकायन, यहाँ सबसे बेस्ट कौन सा होता है, टी कलिकायन होता है, कौन सा होता है, टी कलिकायन होता है। वैसे यहाँ अगर बात की जाए प्रोपेगेशन की, तो बेर का जो प्रोपेगेशन कैसा है सीड के द्वारा भी कैसा है, लेकिन यहाँ पर आप सोचते हैं मोस्ट पॉपुलर की, तो कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा जो अप्लाई कैसा ये लिया जाता है, टी कलिकायन को, किसको लिया जाता है, टी कलिकायन को लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सुनहरी क्रांति का संबंध है, सुनहरी क्रांति जिसे यार हाँ गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो जल्दी से गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित होती है, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, फिर उद्यान विज्ञान या फिर फल उत्पादन से। जल्दी से गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, फिर उद्यान विज्ञान या फिर फल उत्पादन से। जल्दी से राइट आंसर क्या है, तो यहाँ अगर आपसे गोल्डन रेवोल्यूशन या फिर सुनहरी क्रांति, तो ये किसका संबंध होता है, फल उद्यान या फिर फल उत्पादन से। किससे होता है यार, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध ये होता है उद्यान विज्ञान या फिर फल उत्पादन से। और इससे संबंध यार एक संबंध व्यक्ति भी है, और वो कौन सा होता है, के एल सड्डा होता है। डायरेक्ट आपको याद रहा है कि गोल्डन रेवोल्यूशन से संबंधित व्यक्ति कौन है, डॉक्टर के एल सड्डा, कौन सा होता है, डॉक्टर के एल सड्डा होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, यार हाँ कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको बताना है, जिससे यार हाँ TSS के नाम से जाना जाता है कि टोटल सोलबल सॉलिड की मात्रा को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी सुनाएंगे, रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा, पीजोमीटर के द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा, फिर कैलोरीमीटर के द्वारा। जल्दी सुनाएंगे कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को मेजर किया जाता है, इसका कैलकुलेट किसके द्वारा किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है TSS को ज्ञात करने के लिए, रेफ्रिजरेटर का, पीजोमीटर का, थर्मामीटर का, फिर कैलोरीमीटर का। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, तो यहाँ अगर आप सोचते हैं TSS के बारे में, तो TSS होता क्या है, टोटल सोलबल सॉलिड होता है, क्या होता है, टोटल सोलबल सॉलिड होता है। और इसकी जो मात्रा को कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करता है, ये लिया जाता है यार रेफ्रेक्टोमीटर। TSS की मात्रा आता है कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा को किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। और अगर बात करते हैं इसका किसमें प्रयोग किया जाता है, तो इसका एग्जांपल आप मान सकते हो कि जो गन्ने की, ठीक है, जो गन्ना होता है, तो यहाँ गन्ने की जो मैच्योरिटी, यहाँ गन्ने की जो परिपक्वता है, तो इसकी अवस्था को जानने के लिए, ठीक है, इसकी परिपक्वता जो अवस्था होती है, तो उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ रेफ्रेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है अर्का सूर्यमुखी, अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म किसकी होती है, आपको बताना है। जल्दी सुनाएंगे, भिंडी की होती है, सूरजमुखी की होती है, कद्दू की होती है, फिर अमरूद की होती है। जल्दी सुनाएंगे कि अर्का सूर्यमुखी किसकी एक उन्नत किस्म होती है, भिंडी की, सूरजमुखी की, कद्दू की, फिर अमरूद की। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म किसकी होती है, भिंडी की, सूरजमुखी, कद्दू की, फिर अमरूद की। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं अर्का सूर्यमुखी के बारे में, तो अर्का सूर्यमुखी किसकी होती है, कद्दू की होती है, किसकी होती है, कद्दू की होती है, किसकी होती है, कद्दू की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन है, अर्थात यहाँ फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग ऐसा है, ये आपको बताना है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, इथाइलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, फिर ज़ेब्रेलिन होता है। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन कौन सा लिया जाता है, ऑक्सीजन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, फिर ज़ेब्रेलिन।
यहाँ अगर आपसे इथाइलिन होता है, ठीक है, अगर बात की जाए पकाने के लिए, तो फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग कैसा है? इथाइलिन हार्मोन का प्रयोग कैसा है? कौन सा राइट आंसर है? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, जिसने सेकंड ऑप्शन बताया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए फलों को पकाने के लिए, तो फलों को पकाने के लिए इथाइलिन गैस का प्रयोग कैसा है? लेकिन अब यहाँ इथाइलिन जो हार्मोन होता है ये मुख्यतः दो फॉर्म होता है, ठीक है, इथाइलिन होता है ये मुख्यतः दो फॉर्म होता है, एक होता है गैस फॉर्म में, एक होता है द्रव फॉर्म में, ठीक है, एक होता है गैस फॉर्म में, एक होता है द्रव फॉर्म में। अगर बात की जाए द्रव फॉर्म में इसको किस नाम से जानता है, तो यहाँ अगर बात की जाए द्रव फॉर्म में, तो द्रव फॉर्म में इसको जानता है इथेफोन के नाम से। किस नाम से जानता है यहाँ? इथेफोन के नाम से जानता है। किस नाम से? इथेफोन के नाम से जानता है। लेकिन अगर बात की जाए गैस फॉर्म में, तो जो गैस फॉर्म होती है इस नाम से जानता है इसे, इथेफोन, और एक होता है इथरेल। सॉरी यहाँ अगर बात की जाए द्रव की, तो द्रव में तो बोला सा है इथेफोन, एक होता है इथरेल, तो इथरेल के नाम से जानता है, ठीक है, इथरेल के नाम से तो जानता है इसे द्रव में। और अगर बात की जाए गैस की, तो इथेफोन गैस रूप में जानता है। दोबारा से समझ लीजिए कि अगर बात की जाए इथाइलिन, तो यार मुख्यतः ये दो फॉर्म में होता है। अगर बात की जाए एक की, तो यार एक होता है गैस और एक होता है द्रव, तो द्रव में इसे बोला जाता है इथरेल के नाम से, ठीक है। द्रव में किस नाम से जानता है? इथरेल के नाम से जानता है। लेकिन अगर बात की जाए गैस में, तो गैस में बोला जाता है इसे इथेफोन के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया हाँ, कि अगर बात की जाए पकाने के लिए, तो पका लेंगे इथाइलिन गैस का प्रयोग कैसा है। अगर बात की जाए इथाइलिन की, दो रूप में होती है, दो फॉर्म में होती है। अगर बात की जाए गैस में, तो गैस में रूप में होती है, तो उसे बोला जाता है इथेफोन। और अगर बात की जाए द्रव में, तो द्रव में इसे जाना जाता है इथिल गैस के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से किस फल में, निम्न में से किस फल में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। आम में होती है, आंवले में होती है, नींबू में होती है, फिर बेर में होती है। जल्दी बताएंगे विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? आम में, आंवले में, नींबू में, फिर बेर में। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। तो यार अगर आपसे विटामिन सी, तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है? आंवले में पाया जाता है। किस में पाया जाता है यहाँ? आंवले में पाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपसे विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो आपका राइट आंसर कौन सा है? सेकंड है, आंवले में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो किस में होता है? बारबडे सेरी में होता है। किस में होता है? बारबडे सेरी में होता है। किस में होता है? बारबडे सेरी में होता है। उससे कम होता है आंवले में, ठीक है। बारबडे सेरी से कम में किस में होता है? आंवले में होता है। आंवले से कम किस में होता है? अमरूद में होता है, ठीक है। तीनों ऑप्शन को ध्यान रखना कि अगर आपसे आंवले या विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया है, तो यही पाया है सबसे ज़्यादा बारबडे चेरी में। बारबडे चेरी से कम पाया है आंवले में, आंवले से कम पाया है अमरूद में, ठीक है। तीनों ऑप्शन याद रहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता कि विटामिन सी किस में पाया है, ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर आपसे पूछा था विटामिन सी किस में पाया है, तब आपका राइट आंसर क्या होता है? और आपको ऑप्शन दिए होते हैं आंवला, अमरूद और बारबडे सेरी। तो ये तीनों ऑप्शन अगर आपको दिए होते, तो आपका राइट आंसर क्या होता? तो सभी होते, ठीक है, एक दो और तीन, अर्थात यहाँ आंवले में पायसा है, अमरूद में पायसा है, और बारबडे सेरी में भी पायसा है। तो राइट आंसर कौन सा होता? ऑल ऑफ दिस, ये सभी, ठीक है। इसलिए यार हाँ, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेली की, जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना होता है? 60%, 68%, 65% या फिर 72%। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि जेली के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो जेली में जल्दी बताइए TSS, टोटल सोलबल सॉलिड, जल्दी बताएंगे TSS कितना होता है जेली के बारे में? 60%, 68%, 65% या फिर 72%। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा है जेली के बारे में, तो जेली, ठीक है, एक तो आपको यार हाँ जैम, एक और याद रखनी है आपको जेली, तो दोनों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यार हाँ अगर आपसे पूछता है जैम के बारे में, तो यहाँ जैम में तो अधिक होती है, ठीक है, जैम में जो कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है ये होता है 68%। कितना होता है? TSS की मात्रा 68% होती है। लेकिन अगर बात की जाए जेली की, तो जेली में कितनी होती है? 65% होती है। कितनी होती है? 65% होती है। कितनी होती है? 65% होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, तो राइट आंसर कौन सा है? जेली में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो जेली में जो TSS की मात्रा कितनी होती है? 65% होती है, 65% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि एप्पल कलर एक किस्म है, एप्पल कलर किसकी किस्म होती है? केले की होती है, सेब की होती है, नाशपति की होती है, फिर अमरूद की होती है। जल्दी सही राइट आंसर क्या है कि एप्पल कलर किसकी एक वेराइटी होती है? केले की, सेब की, नाशपति की या फिर अमरूद की? जल्दी सही राइट आंसर क्या है? तो यहाँ अगर आपसे एप्पल कलर, तो किसकी होती है? अमरूद की होती है। किसकी होती है? अमरूद की, एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है। राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मेथी का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रदेश में लिया जाता है, किस राज्य में लिया जाता है? ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से मेथी का, ठीक है, मेथी का सर्वाधिक प्रोडक्शन लिया जाता है ये किस प्रदेश में लिया जाता है, किस स्टेट में लिया जाता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, फिर केरल में? जल्दी से राइट आंसर क्या है कि मेथी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है? तो यार हाँ अगर आपसे मेथी के बारे में, तो मेथी का जो सर्वाधिक जो प्रोडक्शन लिया जाता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन लिया जाता है, ये लिया जाता है इंडिया, राजस्थान में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है यार हाँ कि अगर आपसे मेथी के बारे में, तो मेथी का जो सर्वाधिक उत्पादन लिया जाता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन लिया जाता है, ये लिया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक वयस्क व्यक्ति की औसत दैनिक सब्जी आवश्यकता होती है, ठीक है, एक दिन में, अर्थात यार मान लीजिए कोई सा व्यक्ति है, तो ऐसे प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है?
532 ग्राम, 432 ग्राम, 285 ग्राम या फिर 185 ग्राम। जल्दी सुनाएंगे कि सब्जी की आवश्यकता कितनी होती है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। 532 ग्राम, 432 ग्राम, 285 ग्राम या फिर 185 ग्राम। जल्दी सुनाएं राइट आंसर क्या है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है एक व्यक्ति के बारे में, ठीक है, प्रतिदिन की अगर बात की जा रही है तो एक व्यक्ति को 300 ग्राम की आवश्यकता है। एग्जैक्ट की अगर बात करते हैं तो कितनी होती है, 300 ग्राम की आवश्यकता होती है, जिसमें यार लीफ वाली भी होनी चाहिए, जड़ वाली भी होनी चाहिए, पत्ती वाली भी होनी चाहिए, ठीक है। यार हाँ कि 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है यार, हाँ इसका लमसम तो कौन सा होता है 225 ग्राम। अर्थात यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है, दैनिक सब्जी की आवश्यकता कितनी होगी 285 ग्राम होगी, और अगर बात की जाए एग्जैक्ट तो कितनी होती है 300 ग्राम होती है, ठीक है। किसान के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल होती है, अर्थात यहाँ जो एक्जोटिक नस्ल होती है टोगनबर्ग, ठीक है। टोगनबर्ग किसकी नस्ल होती है ये आपको बताना है, भेड़ की होती है, गाय की होती है, बकरी की होती है, फिर सुअर की होती है। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है कि टोगनबर्ग किसकी नस्ल होती है, भेड़ की, गाय की, बकरी की या फिर सुअर की। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, भेड़ की, गाय की, बकरी की या फिर सुअर की। तो यहाँ अगर आपसे पूछा है टोगनबर्ग तो ये किसकी होती है, बकरी की होती है। किसकी होती है, यहाँ बकरी एक एक्जोटिक नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आजका हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत में वार्षिक दूध उत्पादन 2014 से 15 के मध्य कितना होता है। तो यहाँ पर करंट डाटा तो आपको दे नहीं रखा है, इसलिए यार हाँ इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगर आप देखना चाहते हो तो यार हाँ 2014 से 15 के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछता है मिल्क प्रोडक्शन तो ये ऐसा है 146 मिलियन टन, ठीक है। अगर बात कीजिए 2014 से 15 के मध्य तो 146 मिलियन टन दूध उत्पादन लिया ऐसा है। लेकिन अगर बात करते हैं करंट डाटा के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपसे यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछता है 2014 से 15 के मध्य नहीं बल्कि 19 से 20 के मध्य, तो 19 से 20 के मध्य जो वार्षिक जो यार हाँ एवरेज जो मिल्क प्रोडक्शन लिया ऐसा है ये लिया ऐसा है 195 मिलियन टन। कितना लिया जाता है 195 मिलियन टन लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। तो आज का ये पसंद आए कैसा लगा आज वीडियो कमेंट कर दीजिए, जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए जितने भी जो जेट स्टूडेंट हैं तो उनके पास आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। जितने भी जो आपके फ्रेंड सर्किल है जो भी जेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास आपको वीडियो शेयर करनी है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कौन नेक्स्ट नंबर टॉप से, जब तक ले जय हिंद, जबरदस्त, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।